हेलो फ्रेंड, वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएसएम प्रैक्टिकल की, जो कि थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस एग्जाम के अंदर ये होता है। पीएसएम प्रैक्टिकल के अंदर बायोस्टेट के न्यूमेरिकल हमसे करवाए जाते हैं और साथ में स्पोर्टिंग भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे स्पोर्टिंग डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्टिंग में मेनली 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वैक्सीनेशन, सेकंड चैप्टर है डेमोग्राफी, थर्ड चैप्टर है न्यूट्रिशन, फोर्थ चैप्टर है मेथड ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज, फिफ्थ चैप्टर है कॉन्ट्रासेप्शन। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे फर्स्ट स्पोर्टिंग देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मॉस्किटो है। आपको यहाँ पे पता लगाना है कि ये एनाफिलीज है या फिर एडीज है या फिर क्यूलेक्स है। तो आप देख रहे हैं कि इसके विंग्स पे और इसकी बॉडी पे वाइट स्ट्रीप है। तो ये एक एडीज मॉस्किटो है, साथ में इसको टाइगर मॉस्किटो भी अपन बोलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इट। तो ये चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर ये ट्रांसमिट करता है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल मेजर। तो इसको कंट्रोल के लिए अपन डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं, पायराथ्रम का इस्तेमाल करते हैं और मेलाथियोन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सेकंड स्पोर्टिंग है, सेकंड स्पोर्टिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। तो आपको इस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर क्या शो कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नेक के अराउंड एक डर्मेटाइटिस हो रहा है और ये एक स्पेशल फीचर में आपको दिख रहा है कि ये केजल नेकलेस बन रहा है यहाँ पे, जो कि एक पहले ग्रह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो केजल नेकलेस आपको दिख रहा है इसमें पिक्चर में नेक के अराउंड। तो ये है पहले ग्रह। और तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोज। तो पहले ग्रह का कोज क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 और नियासिन। तो नियासिन की डेफिशिएंसी कारण पहले ग्रह होता है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी है, साथ में सप्लीमेंट लेना है और मक्का को अवॉइड करना है, क्योंकि मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होती है, साथ में पैलेक्रोजेनिक एमिनो एसिड ल्यूसीन होता है। और जो ल्यूसीन जो होता है वो ट्रिप्टोफैन को नियासीन में कन्वर्ट होने में वो रोकता है, इसलिए हमें मक्का को अवॉइड करना है। आप थर्ड स्पोर्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीज एंड प्रोटीन प्रोवाइडेड पर 100 ग्राम ऑफ द गिवन स्पोर्ट। तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक व्हीट है और व्हीट में 100 ग्राम के अंदर हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है 346 कैलोरीज पर 100 ग्राम, 346 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम हमें गेहूं से मिलती है। और इसके अंदर 100 ग्राम में जो प्रोटीन होता है वो होता है 11.8 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम के अंदर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच एमिनो एसिड आर डेफिशिएंट। तो गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर जो एमिनो एसिड डेफिशिएंस होता है वो है थ्रियोनिन और लाइसिन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो हमें अगर व्हीट का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है तो हमें फूड फोर्टिफिकेशन करना होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्पोर्टिंग की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, वो है सबसे पहला कैंसर, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, दूसरा है थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, तीसरा है लीवर डिजीज। तो ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। सेकेंड है इसका एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में जो आप स्पोर्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे 7 जो टैबलेट है, 7 जो है वो आयरन की गोलियां हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये इसका एडवांटेज है। साथ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट हम देखते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट। और कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट में MI, मायोकार्डियल इंफेक्शन और हाइपरटेंशन हो सकता है, साथ में कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट नंबर 5 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पोर्ट, सेकंड है रूट ऑफ ट्रांसमिशन, थर्ड है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर क्या होगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं स्पॉट नंबर 6 का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले आप जो पिक्चर में दिया गया है उसे देख के आप पता लगाएं कि ये क्या है। तो हमें पिक्चर में दिया गया है फैंथियन, और जो फैंथियन होता है मॉस्किटो कंट्रोल में हम काम में रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फैंथियन एक नर्व पॉइजन होता है और ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूजेस। तो ये एक लार्विसाइडल होता है, मॉस्किटो के लार्वा को किल करने में काम में आता है और केमिकल कंट्रोल में लार्विसाइडल के रूप में काम में लेते हैं। इसका डोज डोज में हम 22 से लेके 112 22 से लेके 112 ग्राम पर हेक्टेयर में हम इसे काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 7 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पॉट। आपको जो यहाँ पे दो ग्राफ दिए हुए हैं ये एज सेक्स पिरामिड को शो करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये एज सेक्स पिरामिड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो यहाँ पे ये फोर्स किया है कि एट बर्थ, तो एट बर्थ पे जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो 919 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा करंट क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया। तो जो हमारा CCB जो है इंडिया का वो है 20.4। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 8 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेशन। सबसे पहले हमें स्पॉट में देखे पता लगाना है हमें क्या दिया है। हमें दिया गया है रेबीज एंटी सीरम। तो इंडिकेशन क्या होता है रेबीज एंटी सीरम का? डॉग बाइट। तो और अब हमारा सेकंड, अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 8 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेशन। तो सबसे पहले हमें देख के पता लगाना है कि हमें क्या दिया है स्पॉट के अंदर। तो हमें दिया गया है रेबीज एंटी सीरम। इसका इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन होता है डॉग बाइट। अब सेकंड क्वेश्चन है डोज एंड साइट ऑफ इंजेक्शन। तो इसमें डोज जो होता है 1 ml इंट्रामस्कुलर और डेल्टोइड मसल में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 9 की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट द गिवन स्पॉट विल बी कैटेगराइज्ड। तो सबसे पहले स्पॉट में देख के हम पता लगाएंगे कि जो स्पॉट हमें दिया गया है ये है एक ड्रेसिंग गोज पीस है। तो अकॉर्डिंग टू 2017-18 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये येलो कैटेगरी के अंदर आता है और 1998 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सिक्स्थ कैटेगरी के अंदर आता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन विच कलर बैग विल इट बी कलेक्टेड। तो जो गोज पीस है इसे हम येलो बैग के अंदर कलेक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसका हाउ इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसको डिस्पोज करने का जो मेथड है वो है इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलाइसिस, डीप ब्रीवल। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 10 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई। तो हमें जो स्पॉट दिया गया है ये है वैक्सीन कैरियर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यूजेस। तो वैक्सीन कैरियर का यूज जो होता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सब सेंटर तक और विलेज तक और जहाँ पे वैक्सीन लगाए जाते हैं वहां तक। और थर्ड है इसका टेम्परेचर रेंज। तो वैक्सीन कैरियर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक।